बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेरे YouTube फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम वो करने के लिए आए हैं पार्क में। हमें पता ही नहीं था कि बच्चे पार्टी जो है वो पार्क में वॉक करने के लिए क्यों जाना चाहती है, तो हमने सोचा कि चलो हम भी चले जाते हैं। यहाँ पर आए हैं तो देखा कि यहाँ पे तो मेला लगा हुआ है। ओ जट्टा काड कुर्ते दे बल वे, चल मेला वेखण चलिए, कर कुर्ते दे बल वे, चल मेला देखण चलिए। तो इतना सनी डे है, बहुत अच्छे से सूरज जो है वो पूरे आपोताप से चमक रहा है और काफ़ी सारे रश है। तो हम सोच रहे थे मौसम तो अच्छा है लेकिन साथ साथ में कितनी खूबसूरत जी धूप है। यहाँ पे ये देखें, ये कितना खूबसूरत है। मुझे को ये मेडो बहुत पसंद है, वाइट डेजी, और ये बटरकप फ्लावर्स हैं जो मेरे इसका मोबाइल का भी लोगो है। तो ये सीन जो है ना बहुत ही प्यारा है। तो मैं जो कुछ इंजॉय करती हूँ वो मैं आप बहन भाइयों के साथ भी शेयर करती हूँ, तो उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको मेरा चैनल देसी बीबी यू के पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन का बटन दबा दें, लाइक का बटन भी ना दबाना भूलें, अपनी फैमिली के साथ शेयर भी कर लें। तो जब फैंस वगैरह लगाए गए हैं इस साइड से, इधर स्टॉल वगैरह लगते हैं और भी मेला होता है, लेकिन यह है कि मैं आपको बाहर बाहर से ही दिखाती हूँ। तो मैं ज़रा क्लोजअप करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह थोड़ी ठंड हो गई है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और लोग जो हैं वो चार चफेरे आ रहे हैं। तो हम भी आपको दिखा रहे हैं कि ये मेला लगा हुआ है और हम मेले में आपके साथ वो कर रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि जब मुझे कॉपीराइट आ जाए, क्योंकि इतने ज़्यादा साउंड है, इतने ज़्यादा यहाँ पे वो आवाज़ें हैं। तो लेकिन फिर भी कोशिश कर रही हूँ साथ साथ बोलने की। जब साथ में बोलना पड़ता है तो बहुत ही मुश्किल होता है। तो जितने एक तो गर्मी है, ऊपर से अच्छा दिन है, लोग इंजॉय कर रहे हैं, वो वहाँ पे इंटरेंस है, तो आप इंटर होने के भी यहाँ पर पैसे देते हैं। जब इंटर होके आते हैं तो वो उनकी तो एक किस्म की जो इंट्री के पैसे ही पूरे हो जाते हैं। और फिर वहाँ पे उन्होंने बाउंसी कासल रखा हुआ है, यहाँ पे बच्चे जो हैं जंप कर रहे हैं, और साथ में उन्होंने दूसरा अट्रैक्शन रखा हुआ है, बम्पी कार्स रखे हुए हैं, और बम्पी कार्स जो हैं वो भी बहुत ही बच्चों की फेवरेट हैं। तो इस तरह जो है वेदर के हिसाब से थोड़े हल्के हल्के क्लाउड्स भी हैं तो आपको नज़र आ रहा है। इधर स्लाइड है, वो ऊपर टॉप पे बच्चे जो हैं वो स्लाइड करके नीचे आते हैं, कुछ देखने वाले होते हैं और कुछ जंप करने वाले होते हैं। ये देखिए जी, यहाँ से वो बच्चे जो हैं वो इंजॉय कर रहे हैं और हम आस्ता आस्ता आगे चल रहे हैं। यहाँ पे फन पार्क स्टैनली थ्रस्टन पॉप अप, तो फ्राइडे टू संडे 19 मई तक होगा, एक हफ्ते के लिए। अभी खुला है तो अभी काफ़ी सारा रश है। जब वीक डेज होता है ना फिर इतना रश नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो आ जाते हैं, स्कूल में चले जाते हैं। और अभी शाम का टाइम है, थोड़ी गर्मी कम हुई है, लोग 12 बजे के बाद तो उठते हैं और उठ के फिर चहलकदमी करना शुरू करते हैं और साथ साथ में वो यहाँ पर आके इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे राइड्स वगैरह तो ओपन हो गए हैं, लेकिन अगर आप इस तरफ देखें तो कोई खाने के स्टॉल नहीं है। तो लोग ज़्यादातर पसंद करते हैं कि उसके साथ साथ वो खाना भी खाएं, तो डे आउट हो जाता है बच्चों के लिए। सनी स्पोर्ट में एक्टिविटीज़ हो जाती हैं, फन डे हो जाता है, गेट टुगेदर हो जाता है, और साथ में ये हो जाता है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो जो पैसे माँ बाप के होते हैं वो स्पेंड भी कर देते हैं। तो हम अपने बच्चों का साइड साइड में ही गमा लाते हैं। मैं जब घर से चलती होती हूँ तो मैं अपने बच्चों को बताती हूँ कि आपका बजट 5 पाउंड है, तो एक 5 पाउंड में एक बच्चे के हिसाब से आपने डिसाइड करनी है कौन सी राइड लेनी है। और महंगाई का मौसम है, आप यकीन करें एक राइड ही 5-6 पाउंड की आती है,
तो बच्चे सारा, क्योंकि उनको एक बजट दे दिया जाता है, पैसा कमाना कौन सा आसान है, तो वो बजट के हिसाब से वो फिर ये उनको कहा जाता है कि भी आपने देख सोच के ना आपने कहाँ पर पैसा स्पेंड करना है। अगर वो ये पसंद करें कि भी हमने एक राइड लेनी है, कौन सी वाली लेनी है, तो ठीक है। तो कई बार वो बिंज बाउट भी करते हैं कि जी हमें, हमने ये नहीं लेना, हमने वो नहीं लेना, तो इसलिए बेहतर यही होता है कि बच्चों को थोड़ा सा सरफा भी सिखाया जाए। तो यहाँ पे देखें, अभी तो जो दिन के टाइम है, लाइट्स जो है इतनी खूबसूरत नहीं लग रही, लेकिन अगर आप शाम के टाइम आएंगे ना तो ये लाइट्स भी बहुत ही खूबसूरत लगेंगी। तो अभी हम बाहर बाहर से इसलिए घुस रही हैं कि बच्चे जो हैं हमारे हैं वो हमें जिद ना करें आके खेलने की। यहाँ पे काफ़ी स्क्रीन वगैरह था, म्यूज़िक भी अलाउड था, लोग जो थे वो यहाँ पे कर रहे थे, फन हासिल कर रहे थे। तो इसी तरीके से जो होता है जब फन डे होता है, पैसे स्पेंड करने का दिन होता है, तो इस तरह हमने तो ये फेंस के बाहर बार ही पसंद किया। और इधर हम अपने बच्चों को पार्क में लेके आए हैं, फ्री ऑफ चार्ज पार्क है, तो जितना मर्जी आप फुटबॉल खेलें, पिकनिक करें, जो मर्जी कुछ करें। और इनका म्यूज़िक जो है ना इतना ब्लास्टिंग है ना कि मुझे ना भी मिले ना तब भी मुझे कॉपीराइट मिलने वाला है। तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि इनके म्यूज़िक को मैं अवॉइड करके ना साथ में ऊंची ऊंची बोलूँ ताकि मुझे दोबारा रिकॉर्ड ना करना पड़े। और ये देखें कि जो कैनपी है इस ट्री की कितनी खूबसूरत है, छांव है, जब धूप होगी ना तब आपको छांव का मज़ा आएगा। तो ये इस तरह हम साइड साइड से गुजरते जा रहे हैं और सूरज सर पे है, गर्मियों का मौसम है और बहुत ही अच्छा मौसम है। बहुत सारे लोग जो हैं वो पार्क में आए हैं और बहुत सारे लोग जो है इधर फन के लिए इधर आए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें, लाइक का बटन भी दबाना ना भूलें, अपनी फैमिली के साथ शेयर भी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून विद नेक्स्ट इंटरेस्टिंग व्लॉग। बाय। होपफुली मुझे कॉपीराइट नहीं आएगा। तो ये मुझे, मैं जब इस तरह आती हूँ ना तो मुझे जो दरख्त होते हैं ना, नीला नीला आसमान होता है, वो बहुत अच्छा लगता है। और ये वाला दरख्त था जिसकी मैं घनी छांव है, मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ। ये जी ट्री है, इसकी कैनपी देखें, इसका छांव देखें। तो इसलिए मैं सभी को पैगाम देती हूँ, प्लीज़ 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 गॉड सेक दरख्त लगाएं, हर अपने प्यारों के नाम के दरख्त लगाएं, ज़मीन को खूबसूरत बनाएं, ज़रखेज़ बनाएं, गर्मी से बचाने का तरीका बनाएं। बेशक कितनी मर्ज़ी गर्मी हो जाए, अगर आप आके दरख्तों के साए में बैठ जाते हैं तो यकीन करें माँ की ममता जैसा प्यार मिलता है और आप गर्मी से भी बच जाते हैं और जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका भी मसले का हल हो जाता है। हर बंदे को अपना अपना हिस्सा डालना है, कंट्रीब्यूशन करना है, फिर जाके कोई बात बनने वाली है। इसलिए इतनी गर्मी तो नहीं है, बहरहाल फिर भी ठीक ठाक गर्मी है। और जब हम दरख्त के नीचे से जाते हैं, दरख्त के पास जाते हैं, तो एक ठंडक का, जैसे एसी ऑन किया जाए ना, एयर कंडीशन सिस्टम ऑन हो, उस तरह का फील होता है। तो इसलिए ये दरख्त अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो प्लीज़ सारे गॉड सेक दरख्त लगाएं और कम काटें और अपनी एनवायरनमेंट का ख्याल रखें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा चैनल पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दें, फिर अच्छे अच्छे कमेंट करके हौसला अफजाई कर सकते हैं, अपने फैमिली के साथ शेयर कर लें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अब जी हम पार्क में आ चुके हैं, यहाँ पर बाहर से मैं आपको फिर 3D का लुक दिखाती हूँ। यहाँ पे बच्चे लोग खेल रहे हैं और हम, इसमें कोई खर्चा नहीं है, ये सबके तरफ से है। और ये पार्क का लुक है और वहाँ पर वो मेला लगा हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सारे बच्चे कितने Okay.
Stop. Hold on to the rope.